वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुजरात गवर्नमेंट टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, कौन सी एग्ज़ाम हमें पास करनी है और वो एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं, वो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट मेनली दो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। दैट एग्ज़ाम्स आर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज टैट एंड टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज टाट। समझते हैं कि क्या होगा इन दोनों एग्जाम्स के अंदर। टैट दो लेवल में डिवाइडेड है, टैट वन एंड टैट टू। टैट वन स्टैंडर्ड वन से फाइव में अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए है। टैट टू स्टैंडर्ड सिक्स टू एट में अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि टैट की एग्जाम प्राइमरी सेक्शन के लिए है और टाट की एग्जाम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। टाट वन स्टैंडर्ड नाइन और टेन के लिए है और टाट टू स्टैंडर्ड इलेवन और ट्वेल्व के लिए टीचर कोई कैंडिडेट बनना चाहता है तो उनके लिए। तो इट इज वेरी मच क्लियर, टैट वन इज फॉर स्टैंडर्ड वन टू फाइव, टैट टू इज फॉर स्टैंडर्ड सिक्स टू एट, टाट वन जो है वो स्टैंडर्ड नाइन टू टेन के लिए है और टाट टू स्टैंडर्ड इलेवन ट्वेल्व के लिए है। नाउ देखते हैं टैट वन, टैट वन एंड टैट टू दोनों ही, मतलब जितनी भी हम एग्जाम्स डिस्कस अभी करने वाले हैं टैट और टाट, ये सारी एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में है। दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैंडिडेट को मिलेंगे, चार ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से उनको सही आंसर सिलेक्ट करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द एग्जाम्स। टैट की एग्जाम हो के टाट की एग्जाम हो, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टैट वन टैट टू जो प्राइमरी सेक्शन के लिए है उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और उनका वेटेज 150 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ वन मार्क, हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। अब डिटेल में देखते हैं कि टैट वन में कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करने के आएंगे। टैट वन का हमें पता है कि स्टैंडर्ड वन टू फाइव में कैंडिडेट अगर टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए टैट वन है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स, इट इज पीटीसी। तो कैंडिडेट ने प्राइमरी टीचर कोर्स जो जनरली ट्वेल्थ के बाद होता है वो किया होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट क्राइटेरिया। तो अगर कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, ये सब करा हुआ है बट पीटीसी नहीं करा है तो वो टैट वन के लिए अपियर नहीं कर सकता है। तो वेरी मच रिक्वायर्ड कि पीटीसी किया होना चाहिए। फाइन, नाउ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के आएंगे इसमें। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड की साइकोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के आएंगे, चाइल्ड की फिलोसॉफी के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के आएंगे, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने को आएगा, मैथ्स टेस्ट होगा स्टूडेंट्स का और इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये पांच सब्जेक्ट्स में पूरा पैटर्न डिवाइड हुआ है। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के लिए 30 क्वेश्चंस, तो पांच टॉपिक के 150 क्वेश्चन एंड हर क्वेश्चन एक मार्क का है। दैट मीन्स टोटल मार्किंग जो है वो 150 मार्क्स की हुई। कैंडिडेट को 1.5 घंटे का समय मिलेगा ये पेपर सॉल्व करने के लिए। नाउ इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 50%। दैट मीन्स अगर 150 का पेपर है तो कैंडिडेट को लेने पड़ेंगे 75 मार्क्स टू क्लियर दिस एग्जाम। तो अगर 75 मार्क्स या उससे ज्यादा लेंगे तो ये एग्जाम क्लियर हो जाएगी, पास हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये समझने की बात है कि ये एग्जाम में सिर्फ पास होके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल जाए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि एंड में जितनी भी वैकेंसीज होगी
गवर्नमेंट टॉप कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करेंगे, तो हमें कोशिश करनी है कि इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, तो ही आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ सकता है। तो 50% मार्क लेके आप पास तो हो जाएंगे, बट जॉब लेने का जो आपका गोल है वो शायद अचीव ना हो। नाउ ये टेट वन हमने समझा। टेट टू, हमें पता है टेट टू इज फॉर स्टैंडर्ड 5 to 8, इट इज फॉर स्टैंडर्ड 5 to 8। नाउ टेट टू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन एंड बीएड, ग्रेजुएशन एंड बीएड ये किया होना चाहिए, देन यू कैन अपियर इन टेट टू एग्जामिनेशन। ये जो क्राइटेरिया मैंने अभी बताया ग्रेजुएशन एंड बीएड, ये क्राइटेरिया टाट में भी अप्लाई होता है, टाट वन एज वेल एज टाट टू में। दैट मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड करा हुआ है तो आप टैट टू दे सकते हैं, टाट वन दे सकते हैं, टाट टू दे सकते हैं, तीनों ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। सिर्फ आप टैट वन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पीटीसी कंपलसरी है। नाउ व्हाट आर द सब्जेक्ट्स वी हैव टू स्टडी इन टैट टू? टैट टू जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन वन विल बी जनरल सेक्शन, कॉमन सेक्शन, एंड सेक्शन टू जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कैंडिडेट के बैकग्राउंड के हिसाब से ये सब्जेक्ट्स होंगे, जबकि सेक्शन वन कॉमन सेक्शन है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो सेक्शन वन में कौन सी चीजें, यू कैन सी सेक्शन वन 75 मार्क्स का है, सेक्शन टू भी 75 मार्क्स का है, और दोनों मिला के टोटल मार्क्स हो रहे हैं 150 मार्क्स। सेक्शन वन में तीन सब्जेक्ट पढ़ने के आ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, लैंग्वेज गुजराती एंड इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन एक मार्क का, मतलब 75 क्वेश्चन का 75 मार्क्स। फ्रेंड्स इसमें जो सेक्शन टू है आपका, सेक्शन टू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से सब्जेक्ट होगा। दैट मींस अगर कैंडिडेट आर्ट्स से बिलोंग करता है तो वो कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता है, दैट मींस वो अपने लिए स्पेसिफिकली लैंग्वेज चूज कर सकता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत कोई भी, या फिर वो सोशल स्टडीज चूज कर सकता है। तो आर्ट्स के लिए, आर्ट्स के जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए थोड़े ऑप्शन ज़्यादा है, लैंग्वेजेस में वो जा सकते हैं या तो सोशल स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। साइंस के बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये दो सब्जेक्ट दोनों में से कोई भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। और कॉमर्स का, मतलब बीकॉम करके अगर कोई प्लान कर रहा है ये एग्ज़ाम देने का, तो उसके लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रह जाता है, वो सिर्फ एक सोशल स्टडीज़ ही सिलेक्ट कर पाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, आर्ट्स का कैंडिडेट कोई भी लैंग्वेज ले सकता है या फिर सोशल स्टडीज़ भी वो ले सकता है। साइंस का जो व्यक्ति है बीएससी करा हुआ है किसी ने, तो वो मैथमेटिक्स और साइंस ले सकता है। और कॉमर्स का अगर कोई पर्सन है बीकॉम करा हुआ है तो वो सोशल स्टडीज़ ही ले पाएगा, दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेक्शन टू आपको सिलेक्ट करना है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, और उसमें भी टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन एक मार्क का होगा, 75 मार्क्स होंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड टोटल मार्किंग आपकी 150 हो जाएगी। 150 में से 50% आपको लेने हैं, दैट इज 75 मार्क्स आपको लेने हैं पास होने के लिए। ये 75 मार्क्स आपको जो लेने हैं वो दोनों सेक्शन के कंबाइंड हैं। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेक्शन वाइज हर सेक्शन में 50% मार्क्स आए, लाइक आपको सेक्शन वन में 75 में से सिर्फ 30 ही मार्क्स आए, विच कम्स आउट टू बी 40%, बट सेक्शन टू में 75 में से आपको 60 मार्क्स आ गए, तो टोटल आपकी मार्किंग होगी 90। दैट मीन्स यू आर हैविंग मोर देन 75 मार्क्स, दैट मीन्स आपका ये एग्ज़ाम क्लियर है।
इवन इफ आपका सेक्शन वन में 50% से कम है फिर भी आपका ये एग्जाम क्लियर है। तो सेक्शन वाइज 50% जरूरी नहीं है, ओवरऑल आपका 50% बनना चाहिए। तो ये टेट टू का एग्जाम हो गया। नाउ कैंडिडेट कैन अपियर इन टाट एग्जाम एज वेल। टाट वन एंड टू, हमें पता है टाट वन जो है वो स्टैंडर्ड 9 और 10 के लिए है, और टाट टू स्टैंडर्ड 11 और 12 के लिए है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए। अगेन टेट टू में जो था वही टाट में अप्लाई हो रहा है। टाट में भी एग्जाम 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, और टाट में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो आगे मैंने बताया था आपको, दैट इज ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सो बीएड किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने, तो आप टेट टू दे सकते हैं, टाट वन दे सकते हैं, टाट टू दे सकते हैं, दोनों ही एग्जाम, तीनों ही एग्जाम दे सकते हैं। नाउ टाट वन और टाट टू का जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर है, तो उसको हमने कंबाइन करके प्रेजेंट किया है, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन आपका 100 मार्क्स का है और सेक्शन टू आपका 100 मार्क्स का है, दोनों मिला के टोटल आपका 200 मार्क्स हो जाता है, और ये एग्जाम आपका होगा 3 घंटे का, इट विल बी ऑफ 3 आवर्स। सेक्शन वन में यू कैन सी जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, टीचर एप्टीट्यूड, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड फिलोसॉफी पढ़ने का मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग, गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो बाकी चारों जो पोर्शन है वो 15-15 मार्क्स के हैं, सिर्फ टीचर एप्टीट्यूड वो 40 मार्क का है, चाइल्ड साइकोलॉजी, और ये सब मिला के 100 मार्क्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, सो देर विल बी 100 क्वेश्चंस। तो सेक्शन वन में देर विल बी 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। सेक्शन टू में 100 में से 80 मार्क्स का पूछा जाएगा मेन सब्जेक्ट के बारे में, दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव सिलेक्टेड। अगेन इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो कोई भी बीए का अगर कैंडिडेट है, बीए आर्ट्स बैकग्राउंड का, तो वो लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकता है, सोशल स्टडीज ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है, ये सारे सब्जेक्ट्स उसके बैकग्राउंड में आते हैं। कोई बीकॉम का अगर कैंडिडेट है तो वो इसमें अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, सोशल स्टडीज ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। कोई साइंस का अगर बैकग्राउंड का है तो वो मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी उसका बैकग्राउंड है उस हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। तो जो मेन सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करा हुआ है उसके रिलेटेड आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये सेक्शन टू में जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चंस आपके होंगे 2 मार्क के, और ये होके 60 मार्क्स हो जाएगा, और 20 क्वेश्चन आपके होंगे 1 मार्क के, ऐसा करके 20 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 80 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस, और जो एंड के 20 मार्क्स हैं उसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, जो मेथड ऑफ स्टडी पूछे जाएंगे आपको। बीएड में ये सब पढ़ाया जाता है कि किस तरह से बच्चों को लर्न करवाना है, पढ़ाना है, वो मेथड ऑफ स्टडीज इसमें पूछा जाएगा। सो टोटल वी कैन सी 100 क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन वन में होंगे और 70 क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन टू में होंगे, दोनों क्वेश्चंस मिला के टोटल क्वेश्चन 170 होंगे, एंड टोटल मार्किंग विल बी 200, और इसमें से आपको लेने हैं 50% पास होने के लिए 100। अगेन सेक्शन वाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सेक्शन में ज़्यादा एक में कम, ऐसा करके आपके 100 के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो आप टाट वन और टू का भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये टाट वन टू आपने क्लियर किया। फ्रेंड्स अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि क्या टाट वन देने के लिए टैट देना ज़रूरी है, या टाट टू देने से पहले टाट वन देना ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार करते हैं। तो इट इज़ नॉट सो रिक्वायर्ड, ये सब इंडिपेंडेंट एग्जाम है,
तो आपने कभी टैट टू नहीं दिया, टाट वन नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया, डायरेक्टली आप टाट टू दे सकते हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ये हो गया है तो आप टाट टू का एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्टली, टाट वन का दे सकते हैं इवन इफ आपने टैट का नहीं दिया। तो ये एग्जाम्स के बीच ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि पहले टैट वन दे तो टैट टू दे सकते हैं, टैट टू दे तो टाट वन दे सकते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ये एग्जाम दे के डायरेक्टली जॉब नहीं मिलने वाला है। गुजरात गवर्नमेंट जब भी उनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी तब वो वैकेंसी आउट करेंगे। वो जब वैकेंसी आउट करेंगे तो आप फॉर्म तभी भर पाएंगे अगर आपने टैट टाट का एग्जाम क्लियर करा हुआ है। आप फॉर्म भरेंगे उसमें अपना पूरा डेटा देंगे जिसमें टैट टाट एग्जाम का रिजल्ट भी देंगे। अब उसके बेस आपका मेरिट बनने वाला है, उसके बेस आपका मेरिट बनने वाला है, और वो मेरिट के बेस जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे, जो टॉप कैंडिडेट होंगे, उनको सेलेक्ट करा जाएगा। अब ये मेरिट कैसे बनेगा वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टैट टू का लिया है, टाट वन का लिया है और टाट टू का दिया है। मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट बनाते समय आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज को 20% वेट दिया जाएगा, आपके बीएड को 25% वेटेज दिया जाएगा और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन को 5% दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है टैट टू देने के लिए, कंपलसरी नहीं है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं टैट टू का, बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमए, एमकॉम, एमएससी किया हुआ है, तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, उसके परसेंटेज का वेटेज यहाँ पे काउंट होगा। और फाइनली आपका जो टैट टू का एग्ज़ाम है उसका वेटेज है 50%। सबसे ज़्यादा वेट महत्व टैट टू को दिया जा रहा है। वैसे ही टाट वन को आप देख सकते हैं 70% वेटेज है, टाट टू को 70% वेटेज है। ठीक है, तो आपने जो भी अपनी लाइफ टाइम में पढ़ाई की उसका वेटेज 30% और टाट की एग्ज़ाम का वेटेज 70%, और इसके बेस आपका मेरिट बनेगा। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें मैं परसेंटेज अज्यूम कर रहा हूँ, आप अपने खुद के परसेंटेज उसमें डाल के खुद का भी मेरिट बना सकते हैं। जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बीकॉम करा हुआ है, बीकॉम में आपके से 60% आए, आपने बीएड किया, बीएड में आपके 80% आए, आपने टैट टू पास करा उसमें आपके 70% आए। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, या फिर चलो ऐसा मान लेते हैं कि आपने एमकॉम भी कर लिया, एमकॉम अगर आपने कर लिया तो उसका फॉर एग्जांपल आपको उसमें 70% आ गए। ठीक है, अब इसमें काउंटिंग कैसे होगी? ये आपका पूरा लाइफ का जितनी भी डिग्रीज हैं आपने ली हुई है। ठीक है, अब काउंटिंग कैसे होगी? काउंटिंग में ग्रेजुएशन में जो आपने परसेंटेज ऑब्टेन किया उसको 20% वेट दे देना है, मतलब 60 × 20% 12। बीएड में जो आपने परसेंटेज लिए उसको 25% से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 80 × 25% इट इज 20। टैट टू में आपने जो परसेंटेज ऑब्टेन किए हैं 70, उसको 50% से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 35। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 70% हुए, उसको 5% से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स 3.5। अब इन सब का एग्रीगेट कर देना, टोटल कर देना है, तो टोटल अगर हम कर रहे हैं तो वो बन जाता है आपका 70.5। ये आपका मेरिट हो गया, ये आपका एवरेज परसेंटेज हो गया अपनी लाइफ टाइम का, ये आपका रिपोर्ट होगा। अब जितने भी कैंडिडेट हैं सबका मेरिट बनाया जाएगा, और वो मेरिट के बेस्ड अगर गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल 10,000 टीचर्स को रिक्रूट करना है तो टॉप 10,000 स्टूडेंट्स की रैंकिंग बनाई जाएगी और उनको जॉब ऑफर करा जाएगा। और जॉब ऑफर के समय आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद आपको जॉब का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं
कि टैट और टाट की एग्ज़ाम का कितना महत्व है। टैट की एग्ज़ाम का वेटेज पूरे मेरिट में 50% है और टाट की एग्ज़ाम का तो वेटेज आप देख सकते हैं 70% है। तो हमने पूरी लाइफ में जो भी पाप किए हैं वो धोने के लिए अगर टैट और टाट को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देते हैं तो मेरिट हमारा बहुत अच्छा बन सकता है। फ्रेंड्स, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही काम आएगा और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हम बनाते हैं आपकी आपकी हेल्प के लिए। और आने वाले समय में टैट टाट की एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के एजुकेशनल वीडियोस भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको हमसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।